नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर साइंस, यानी आज हम जानेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर को, फायर के केमिकल कंपोजिशन को, फायर में होने वाली केमिकल रिएक्शन को और फायर के केमिकल इक्वेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपसे कोई पूछे फायर क्या होती है, तो आपका उत्तर होगा फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन के आपस में मिलने पर घटती है। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, पर साइंस ऑफ फायर कहता है इसमें एक छोटा सा करेक्शन है। साइंस ऑफ फायर कहता है फायर एक एक्सोथर्मिक यानी ऊर्जा विसर्जित करने वाली केमिकल चेन रिएक्शन है जो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन के आपस में मिलने पर घटती है, और इसमें ऊर्जा, प्रकाश और टॉक्सिक गैसेस उत्पन्न होती है। तो चलिए आज हम फायर में होने वाली इन चेन रिएक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें पहले तीन चीज़ों को समझना होगा। पहला, चेन रिएक्शन क्या होती है। दूसरा, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। और तीसरा, फायर में फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं। तो चलिए देखते हैं चेन रिएक्शन क्या होती है। चेन रिएक्शन वह केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें मुख्य रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करते हैं और रिएक्शन की श्रृंखला बन जाती है। फायर या कंबशन चेन रिएक्शन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। फिर फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स हाईली अनस्टेबल बॉडीज होती है। फ्री रेडिकल्स वह एटम, मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जिनके पास में अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या आप कह सकते हैं जिनके पास में ओपन इलेक्ट्रॉन सेल होती है, जिसकी वजह से इनके पास में एक या एक से ज्यादा डैंगलिंग यानी स्पेयर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। यह कोवेलेंट बॉन्ड इन्हें दूसरे मटेरियल्स की तरफ, दूसरे सब्सटेंसेस की तरफ हाईली केमिकली रिएक्टिव बना देते हैं। यही कारण है कि जब इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब ये स्पॉन्टेनियसली डोमेराइज या पॉलीमराइज हो जाते हैं। हाइड्रोजन रेडिकल फ्री रेडिकल का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इस मॉलिक्यूल में पानी की मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम कम है, इसलिए इसके पास ऑक्सीजन के साथ में एक डैंगलिंग कोवेलेंट बॉन्ड अवेलेबल है। यही फ्री रेडिकल फायर का बेस बनाते हैं। जब कोई पदार्थ गर्म होता है तब उसके मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होता है, और उनमें वाइब्रेशन जब होता है तब कुछ मॉलिक्यूल अपने मुख्य पदार्थ से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये टूटे हुए मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होते हैं, साथ में हाईली केमिकल रिएक्टिव होते हैं, और यही टूटे हुए मॉलिक्यूल चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए अब फायर केमिकल रिएक्शन को सिंपल हाइड्रोकार्बन मिथिल मॉलिक्यूल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फायर में होने वाली चेन रिएक्शन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, इनिशिएशन ऑफ चेन रिएक्शन। दूसरा, प्रोपोगेशन ऑफ चेन रिएक्शन। और तीसरा, टर्मिनेशन ऑफ चेन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं इनिशिएशन ऑफ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए दो कारणों से सोर्स ऑफ इग्निशन की जरूरत होती है। पहला कारण है ऑक्सीजन अपने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पैरेलल स्पिन की वजह से स्टेबल अवस्था में होता है। उसे उसके सबसे रिएक्टिव स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। साथ में फ्लेमेबल मटेरियल्स को इवेपोरेट करने के लिए और फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए हीट की जरूरत होती है। जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए सरफेस एरिया के कारण कंबशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल तक पहुंचती है, और इनमें हीट की प्रेजेंस में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू होती है जो विजिबल लाइट बैंड के रूप में रेडिएशन को इमिट करती है, जिसे हम फ्लेम या ज्वाला या आग कहते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल के कंबशन के चेन इनिशिएशन का केमिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार होता है। जब मीथेन और ऑक्सीजन हीट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करते हैं तब मिथाइल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, सुपरऑक्साइड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और CO2 जैसी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन के लिए यानी चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करते हैं। चेन इनिशिएशन के बाद में आपको बड़ी होने के लिए, आपको फैलने के लिए चेन प्रोपोगेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चेन प्रोपोगेशन में चेन इनिशिएशन रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में और ज्यादा वाइब्रेशन शुरू होता है, जिससे और अधिक फ्री रेडिकल उत्सर्जित होते हैं। इसी कारण आग में हीट और वायलेंस बढ़ती देखी जाती है। साथ में चेन इनिशिएशन रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करते हैं और चेन प्रोपोगेट होती है, जिसे हम फीडबैक लूप ऑफ फायर कह सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ चेन रिएक्शन यानी फायर में चेन रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो जाता या चेन रिएक्शन को किसी एक्सटर्नल चीज से इंटरप्ट नहीं किया जाता है। जैसे कि जब हम आग को बुझाने के लिए पानी, फोम या ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग करते हैं तब हम इस चेन रिएक्शन को इंटरप्ट करते हैं और आग को बुझाते हैं, यानी चेन रिएक्शन को हम उसके टर्मिनेशन फेज में पहुंचाते हैं। मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।